हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ इस प्रकार से फल एवं सब्जी की दुकान का पोस्टर बनाना सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग देखते रहिए ताकि आप लोग भी इस प्रकार से फल एवं सब्जी की दुकान का पोस्टर बना सको। दोस्तों, इस पोस्टर को बनाने के लिए जो भी PNG PLP मटेरियल यूज़ हुआ है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहां जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन उसमें एक पासवर्ड लगा हुआ है जो इस वीडियो में आप लोग को 3 स्टेप में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग को PNG चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, पोस्टर बनाने के लिए पिक्चरलैब एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहां जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, पोस्टर बनाने के लिए पिक्चरलैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। एप्लीकेशन को ओपन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ पे न्यू टेक्स्ट को हम लोग डिलीट कर देंगे। उसके बाद राइट साइड कॉर्नर में ऊपर की साइड पे 3 डॉट के निशान पे क्लिक करेंगे। नीचे स्क्रॉल करके ओपन PLP फाइल पे डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे PLP पे क्लिक करेंगे, यहाँ एरो के निशान पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी हमने फाइल को डाउनलोड करके सेव करके रखा हुआ है वहाँ से हम लोग फाइल को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग सब्जी की दुकान फाइल पे क्लिक करेंगे, वेजिटेबल बैनर PLP पे क्लिक करेंगे, ओपन एन ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ ओके कर देंगे, उसके बाद बैक हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारी शॉप का PLP फाइल ओपन हो जाएगा। अब इस PLP फाइल में हमको जो भी चेंज करना है वो चेंज करके हम लोग अपनी शॉप का पोस्टर तैयार करेंगे। इसके लिए प्लस के बगल में जो आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी हमको चेंज करना है उसे डिलीट करके या एडिट करके हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लकी फ्रूट एंड एवं वेजिटेबल। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग अपनी शॉप का नाम लिख सकते हो। इसके लिए प्लस के बगल में जो आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी लकी फ्रूट एवं वेजिटेबल लिखा हुआ है वहाँ पे पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे, पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी शॉप का नाम लिख के ओके कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है हमारे यहाँ ताज़े फल और हरी सब्जियाँ उचित रेट पर मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग की दुकान सिर्फ सब्जी की है तो यहाँ पे सिर्फ सब्जी लिख सकते हैं या फिर फल की है तो फल की दुकान लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे टाइटल में भी आप अपनी दुकान का नाम उसी प्रकार से लिख सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो मैंने फल के कुछ फ़ोटो PNG लगाए हैं, सब्जियों के फ़ोटो PNG लिखाए हैं और यहाँ पे एक महिला को सब्जी की शॉपिंग करते हुए दिखाया गया फ़ोटो PNG लगाया हुआ है। दोस्तों, अगर यहाँ पे आप लोग को फ़ोटो PNG चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। इसके लिए प्लस के बगल में जो आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और जिस फोटो PNG को चेंज करना है उसे डिलीट करके हम लोग चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग को दूसरी फोटो PNG लगाना है तो प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे और वहाँ पे हमने जहाँ भी सेव करके रखा है वहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपना एड्रेस डाला हुआ है अहिरौली देवरिया। दोस्तों, आप लोग अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हो। इसके लिए प्लस के बगल में जो आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी अहिरौली लिखा हुआ है वहाँ पे पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे, पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना एड्रेस अपडेट कर देंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक कॉमेंट डाला हुआ है, हमारे यहाँ शादी पार्टी के ऑर्डर बुक किए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को कुछ और लिखना है तो लिख सकते हो या फिर इसी को रहने दे सकते हो। अब दोस्तों, यहाँ पे मैंने प्रो में लकी डिस्पोजल और मोबाइल नंबर डाला हुआ है। दोस्तों, आप लोग अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। उसके लिए प्लस के बगल में जो आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एड्रेस और नाम अपडेट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस पोस्टर का जो बैकग्राउंड का कलर है वो मैंने सब्जियों के हिसाब से हरा रखा हुआ है, आप लोग इसको भी चेंज कर सकते हो। इसके लिए लास्ट में जो आइकॉन बना है ह्यू वहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करके ह्यू पे क्लिक करेंगे और इसको प्लस माइनस करके हम लोग पोस्टर का कलर चेंज कर सकते हैं। तो हमें जो भी कलर पसंद है उसे हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ये वाला कलर रहने दे देता हूँ, उसके बाद ओके कर देंगे।
अब दोस्तों इस पोस्टर को हम लोग गैलरी में कैसे सेव करें, इसके लिए शेयर वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे। इमेज फॉर्मेट में जेपीजी या पीएनजी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्वालिटी डायमेंशन में अल्ट्रा सिलेक्ट करेंगे और सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों इस प्रकार से हमारा पोस्टर गैलरी में सेव हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग को किसी फेस्टिवल का या अपने शॉप का बैनर बनवाना है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा जिससे आप लोग मोबाइल से ही पोस्टर बना सको। दोस्तों वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।